अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो पॉप्स। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2 से 3 आलू बॉईल करने हैं और उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। 1 कप आलू, 1 चम्मच चॉप की हुई प्याज, 1 चम्मच चॉप धनिया और 1/2 चम्मच चॉप लहसुन। और आप लोगों को चाहिए 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक हसबे जायका, 2 चम्मच बेसन और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। अब आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल लेना है और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने जो आलू हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है, उसमें कोई भी साबुत नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए, आप लोग इस साइज़ की इसमें बॉल्स बना लीजिए। सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं, तो अब हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। कोटिंग के लिए 1 बाउल में 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर पानी से इसका पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, पेस्ट इतना थिन होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये स्टेप जो है वो मेन स्टेप है। ओके, आप लोगों ने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करने हैं, सिंपली जो हम नाश्ते में पापे खाते हैं उसके आप लोगों ने क्रम्स बनाने हैं। ओके, आप लोग को ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करने हैं, मैं दोबारा आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि जो है वरना आप लोगों का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको कोट करते हैं। जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी किया था, बॉल्स को उसमें डालिए और क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए। यह स्टेप आप लोगों ने 2 दफ़ा करना है। 2 दफ़ा आप लोगों को इसलिए करना है ताकि जो है ये क्रिस्पी बने। ये देखिए, कोटिंग रेडी हो गई है, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिए और इसकी साइड चेंज करते रहिए ताकि ये अच्छी तरीके से इसका कलर आ जाए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें सबसे पहले। साइड चेंज करते रहिए ताकि इसका कलर अच्छा आए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कीजिए। लीजिए, ये फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, निकाल लिया है। अच्छा जी, अब मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं ये 20-30 रुपए की टूथपिक का पैकेट मिल जाता है। ठीक है, टूथपिक आप इसमें लगा लीजिए और ये पोटैटो पॉप्स हमारे रेडी हो गए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं और ईज़िली बन जाते हैं। अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।